नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। एक तरफा प्यार बड़ा घातक होता है, ये जिससे भी होता है उसे खत्म करके मानता है। लेकिन यही एक तरफा प्यार कभी कभी आशिक को छोड़कर आशिकी से दूरी रखने वालों को भारी पड़ जाता है। इसी एक तरफा प्यार से जुड़ी एक खबर भोपाल से आई है, जो चौंकाने वाली खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल एक तरफा प्यार में पड़े मनचले लड़के को लड़की की ना करना इतनी नागवार गुजरी कि उसके बाद उसने ऐसा काम किया जो प्यार करने वाला कोई भी शख्स नहीं कर सकता। मनचला लड़का गुंडे लेकर लड़की के घर पहुंच गया। उसने प्रेमिका की मां और भाई को बंधक बना लिया। लड़की के परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने लड़के को ऐसा करने से कई बार मना किया, लेकिन लड़का नहीं माना और उनके साथ जमकर मारपीट की। मनचले लड़के ने लड़की के परिवार वालों के साथ जो किया सो किया, उसने लड़की को भी नहीं छोड़ा। लड़की के साथ बेरहमी से पिटाई की, लड़की को जान से मारने की कोशिश भी की। लड़की रहम की भीख मांगती रही, लेकिन लड़का नहीं माना। इसके सर पर मानो खून सवार था। ये क्या कर रहा था उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचिए, जो आदमी जिस लड़की से प्यार करता हो, भला उसके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। हालांकि बाद में वो अपने दोस्तों के साथ मौके से फरार हो गया। आरोपी लड़के की वजह से ही लड़की का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। करीब 4 घंटे की दहशत में रहने के बाद पिता के घर पहुंचने पर लड़की ने सब कुछ उन्हें बता दिया, जिसके बाद देर रात थाने पहुंचकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार 24 साल की लड़की रातीबाड़ की रहने वाली है। उसके पिता जॉब करते हैं। उसने इसी साल मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है। उसने पुलिस को बताया कि रवि जाटो नाम का लड़का काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। वो उस पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा है, लेकिन लड़की ऐसा नहीं चाहती है। इसी बात से नाराज होकर लड़का कार से लड़की घर आया। उसके साथ 3 लड़के और भी थे। घर में घुसते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और इसके बाद उसने लड़की की मां और उसके छोटे भाई को बंधक बनाकर मारपीट शुरू कर दी। लड़के रवि ने लड़की को कमरे में ले जाकर गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर वो शादी करने की तैयार नहीं हुई तो उसके साथ उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। मामा शिवराज ने भी कह रखा है कि धमकी देकर शादी करने के नाम पर लड़कियों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो खैर नहीं, मामा नहीं छोड़ेंगे। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।